गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पर्सन के मॉर्निंग के थॉट्स क्या हैं, आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आज सुबह आपके पर्सन के मॉर्निंग में करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके व्यूवर्स, देखते हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको बता दूँ ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग आपके हस्बैंड वाइफ के लिए देखी जा सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, आप चाहें तो अपने क्रश के लिए देख सकते हैं या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिस इंसान को आप फ्रेंड मानते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आज सुबह वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं वो आपके लिए और क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे उसी इंसान के बारे में, उसी इंसान की सोच देखेंगे जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देखेंगे। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द चैरियट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस है और साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है और यहाँ पर लीब्रा और कैंसर स्पेशल साइन है। तो ये आपके या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं एक नंबर, चार नंबर, सात नंबर और आठ नंबर। ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर एक नई शुरुआत इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपकी आपके पर्सन के साथ में हो सकती है या फिर हुई हो सकती है या फिर अगर किसी इंसान का कोई केस चल रहा है या फिर किसी से किसी को जस्टिस चाहिए तो जस्टिस मिलता हुआ भी इन डेट्स में, इन मंथ्स में नज़र आ रहा है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो आपको इन डेट्स में, इन मंथ्स में ज़रूर मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है क्योंकि ये सारे ही कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी के साथ साथ यहाँ जस्टिस का कार्ड आना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सब कुछ सही होने जा रहा है, आपको इंसाफ मिलने जा रहा है। अगर किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे थे तो इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर किसी से जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे थे तो जस्टिस मिलते हुए नज़र आ रहा है। जो भी इंसान अगर आपका दिल तोड़ कर गया है, दिल दुखा कर गया है तो उसको उसका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो भी आपके जीवन में गलत हुआ था वो सब कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप पॉजिटिविटी के साथ ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहें क्योंकि आपके साथ तो सब कुछ सही होगा। यहाँ पर आपका पर्सन भी आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से ये इंसान आपकी तरफ देख रहे हैं, इस रिश्ते की तरफ देख रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। तो इस इंसान को उम्मीद है आपसे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस इंसान को आपसे। तो इस इंसान ने अगर करियर के लिए आपको छोड़ा था, अपनी स्टडी के लिए आपको छोड़ा था या फिर इस पर्सन को जीवन में कुछ बड़ा करना था इसलिए इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, तो ये एक नई शुरुआत आपके साथ में करने के लिए ख़ुद को तैयार कर चुके हैं। इस पर्सन की समझ में आ चुका है कि जितना भी ये इंसान चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, चीज़ें इस पर्सन से उतनी ही दूर जाती चली जाएंगी क्योंकि इस पर्सन का लक कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ा है। तो ये पर्सन अब आपको अपने साथ जोड़कर देखने लगे हैं। पहले ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, सेल्फिश होकर सोचने लगे थे, सोच अभी भी अपने ही बारे में रहे हैं पर हाँ आपको साथ में लेकर चलने के बारे में सोचने लग गए हैं। अब ये जो मैं थी ना, इस पर्सन की ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अब ये पर्सन आपको और अपने आप को दोनों को हम मानने लगे हैं ऐसा लगता है। अगर ये इंसान आपका हस्बैंड है या वाइफ है तो अब ये पर्सन उतना ही सम्मान और रिस्पेक्ट आपको देने के बारे में सोच रहे हैं जितना ये पर्सन खुद को देते हैं। तो इस पर्सन की समझ में ये बात आ गई है, जब तक ये पर्सन आपको सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं देगा तब तक इस पर्सन को भी वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान नहीं मिलेगा। अगर इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए तो देना भी होगा, ये चीज़ इस पर्सन की समझ में आई है। और इस पर्सन को ये भी समझ में आया है कि अकेले ये ज़्यादा टाइम तक दूर तक नहीं चल सकते, अकेले ये सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा सकते। इस पर्सन को आपके साथ की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। एक अच्छा सच्चा जीवन साथी अगर जीवन में हो तो
जीवन की जर्नी बहुत आसान हो जाती है, ये चीज़ इस पर्सन की समझ में आई है। इसीलिए इस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस आप देख भी पाएंगे। ये पर्सन खुद आगे बढ़ के आपको अपना प्यार शो करते हुए नज़र आएंगे। इस पर्सन के बिहेवियर में आप चेंजेस देख पाएंगे। आज सुबह इस पर्सन ने कुछ अपने आप से वादे किए हैं, कुछ कस्में खाई हैं, खुद से ही इस पर्सन ने कुछ गोल डिसाइड किए हैं अपने लिए, आपके लिए। तो ये बदलाव इसीलिए इस पर्सन में आप देख पाएंगे क्योंकि इस पर्सन ने बहुत चीज़ें ना ऐसी रियलाइज़ की हैं, ऐसी सोची हैं जो इस पर्सन को आपके साथ जोड़े रखेंगी। और ये पर्सन आपको प्यार शो करते हुए भी नज़र आएंगे। आप इस पर्सन का बदला हुआ रूप देखेंगे। ये पर्सन आपके लिए एकदम से ही एक न्यू पर्सन बनते हुए नज़र आएंगे। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। और जो इंसान फैसला नहीं ले पाते थे, चीज़ों को कल पर टालते थे, अब वो क्विक एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। ऐसा भी लगता है क्योंकि जो भ्रम की स्थिति है ना, वो इस पर्सन की ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि इस पर्सन ने खुद भी जस्टिस करने का सोचा है। इस पर्सन की समझ में ये चीज़ आ रही है कि अगर ये दूसरों को जस्टिस देंगे, दूसरे के साथ इंसाफ करेंगे, तो इस पर्सन के साथ में भी गॉड इंसाफ करेगा, इस पर्सन के साथ में भी सारी चीज़ें सही होंगी। तो ये पर्सन गिविंग एनर्जी में आ रहा है, बैलेंस करते हुए चलने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन अपनी लव लाइफ को, अपने करियर को, दोनों को ही बैलेंस करते हुए चलना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है जस्टिस, इस पर्सन को खुद को भी जस्टिस चाहिए। तो जहाँ जहाँ इस पर्सन के साथ में अनजस्टिस हुआ है, ये पर्सन अब चाहता है इसके साथ भी जस्टिस हो। और अगर इस पर्सन की वजह से आपके साथ कुछ अनजस्टिस हुआ है, तो ये पर्सन चाहता है आपके साथ में भी जस्टिस हो। तो अब ये पर्सन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा इस पर्सन की सोच बनती हुई नज़र आ रही है। और बार बार इस पर्सन के दिल दिमाग में ये थॉट्स आ भी रहे हैं कि इस पर्सन को इस इल्यूजन से बाहर आना है, इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना है और सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो ये पर्सन अब सच और झूठ की लड़ाई में बहुत आगे निकल चुके हैं। इस पर्सन ने ठान लिया है कि इस पर्सन को क्या करना है अपने जीवन में। अगर ये पर्सन आपके क्रश हैं, तो इस पर्सन का जो क्रश है ना आप पर, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये पर्सन आपके लिए सीरियस होकर सोचेगा। इस पर्सन के जीवन में जो कुछ भी अब तक चल रहा था, एक नए ही अंदाज में इस पर्सन की ज़िंदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस पर्सन की ज़िंदगी में आपका साथ अगर मिलता है इस पर्सन को, तो ये पर्सन खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखेगा जहाँ पर इस पर्सन को एक सच्चा सारथी मिल गया है, जो इस पर्सन को सही डायरेक्शन दिखा सकता है। तो एक अच्छा दोस्त आपके रूप में इस पर्सन को मिल रहा है, ये चीज़ भी इस पर्सन को समझ में आ रही है। इस पर्सन के दिमाग में ये थॉट्स बार बार आ भी रहे हैं कि इस पर्सन ने जब से आपका साथ पाया है, इस पर्सन के जीवन में बहुत कुछ नया हुआ है। इस पर्सन के जीवन में सकारात्मकता आई है, पॉजिटिविटी आई है, नेगेटिविटी कहीं कुछ हद तक कम हुई है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर ये पर्सन आपका गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, तो भी यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं और वो चेंजेस बिग हैप्पी चेंजेस हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं, जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई पर्सन आपसे दूर था, तो रिटर्न आता हुआ भी नज़र आ रहा है। सब कुछ जस्टिस में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।